हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 16 बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इस शो का जो दूसरा हफ्ता है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। दूसरा नॉमिनेशन हो चुका है, 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। अब ऐसे में क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स आ गए हैं सामने, क्योंकि कल कोई एक शख्स, एक कंटेस्टेंट इस घर से हो जाएगा बेघर। कौन होगा वो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक नंबर 1 की पोजीशन पर बड़ा उलट फेर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अब नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं एमसी स्टैन। एमसी स्टैन के फैंस की कोई कमी नहीं है, एमसी स्टैन को अनगिनत वोट्स मिल रहे हैं और वो अब नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। वही अगर हम देखें कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर टीना दत्ता को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जब टीना को गौतम ने नॉमिनेट किया था उस वक्त ही टीना ने ये कह दिया था कि मेरे फैंस, मेरी आर्मी बाहर बैठी है जो मुझे बचा लेगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वही तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो शालीन भनोट को भी कुछ लोग पसंद कर रहे हैं उनके गेम को, और शालीन को तीसरे नंबर पर पोजीशन मिली है, जबकि चौथे नंबर पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा बॉटम में नज़र आ रही है सृजिता डे, और पांचवा नंबर हासिल किया है गौरी नगौरी ने। गौरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, हालांकि दूसरे हफ्ते में गौरी ने बहुत कोशिशें की है अपने गेम को इम्प्रूव करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन बटोरने की, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि सृजिता के साथ भी उनका झगड़ा हुआ था और सृजिता भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रही है गौरी को। दोनों के जो वोट्स हैं उन वोट्स में बहुत ही कम अंतर नज़र आ रहा है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, आज ये जो मैंने आपको बताया है ये क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स हैं जो कि फैन पेजेस द्वारा अभी रिवील किया गया है। हालांकि अभी इसमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, हमें फाइनल एलिमिनेशन के लिए देखना होगा कल का एपिसोड, जब बिग बॉस के घर में आएंगे सलमान खान की, कौन होगा उस वक्त एलिमिनेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।